गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना डिटॉक्स टी, जिसमें मैं बहुत सारा चीज़ डालती हूँ, जैसे इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ और अजवाइन और अदरक। ये सब डाल के मैं 5 मिनट तक इसको बॉईल करती हूँ एंड फिर मैं 1 कप अगर पीना है तो मैं 2 कप पानी डाल के इसको बॉईल करके 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको पीती हूँ। ये एसिडिटी और वेट लॉस में भी काम आएगा, मैंने सुना है एसिडिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर मैं उस दिन ऊपर चली गई टेरेस पे, जहाँ पे मुझे करी पत्ता लाना था क्योंकि मैं दही बैगन बना रही थी। तो चलिए मेरे साथ छत पे। फर्स्ट फ्लोर में रेंट में रहते हैं तो ये टेरेस वो भी यूज़ करते हैं कपड़ा सुखाने के लिए। लेमन धूप था और फिर मैं भागी नीचे। अपने परवर काट के रखा था, उसका भजा बनाऊंगी। तो यहाँ पे दाल और यहाँ पे मैं बैंगन को काट के फ्राई कर रही थी दही बैंगन के। दही बैंगन का तड़का जिसमें मैंने तेल में थोड़ा सा पंचफोरन, करी पत्ता और रेड चिली दिया था। और ये परवर में जैसे नॉर्मल फ्राई होता है, नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर देके जस्ट फ्राई करना है बहुत ही कम ऑयल में। मैंने अपने रूम में जो रखा है शोकेस, या जिसमें मैंने अपना सारा डेकोर रखा है, उसमें मैंने जो लाइट भी था स्टार में, आप अगर मेरे गुड़गांव वाले घर में देखे होंगे तो मैंने उसको भी यहाँ पे लगा दिया है। और ये देखिए, ये पूरा इवनिंग में मैं ये लाइट लगा देती हूँ आजकल, और आराम से जो मस्त मस्त हवा आती है वो एंजॉय करती हूँ यहाँ पर बैठ कर। हमारा तो एक पार्सल जो गुड़गांव से आया था, जो खाली डेकोर का सामान था, वो खो गया, वो पैकर्स वाले से अभी तक मिला नहीं है। तो जितना भी मेरे पास था मैंने सब इसमें थोड़ा सा रख दिया है, और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन क्या करें, रखना पड़ेगा क्योंकि और यहाँ पे प्लेस नहीं है रखने के लिए। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि एसी हमारा चल नहीं रहा था, फिर मैंने अर्बन क्लैब बुक किया और ये मदरबोर्ड ख़राब हो के वो ले गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का हमारा लंच है, जिसमें हमने पोखलो बनाने का सोचा था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बड़ी एंड ड्रमस्टिक आलू मस्टर्ड पेस्ट के साथ। और ये सुबह का बन रहा है पिट्ठा चौकड़ी फॉर ब्रेकफास्ट। पखड़ जो होता है या पखल भात जो होता है वो उड़ीसा का तो फेमस डिश ही है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने बड़ी चूड़ा बनाएंगे और यहाँ पे भाजा जो मस्टर्ड पेस्ट वाला, और ये है नीम का जो फूल है उसका मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक साग। यहाँ पे बैगन को मैंने काट के प्याज के साथ फ्राई कर लिया है, पहले मैंने पंचफोरन और रेड चिली दिया था, और इसको यहाँ पर डाल देंगे और बस फ्राई करेंगे
पफायर के साथ कम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे बड़ी चुरा साथ गो एंड बॉजा, तो वो सब हम बना दिए। फिर हम निकल गए सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे जो डेकोर है कैसे बालकनी में लगा हुआ है, जिसको मैं अंदर ले आई हूँ अभी। और हम जा रहे हैं जॉगर्स पार्क, जो हमारे घर के पास है, वहाँ पे वॉक करने के लिए। चलिए, ये है हमारा घर। और सुबह ये बजा था अराउंड 5:15 अर्ली मॉर्निंग, हम निकल गए। के सामने मिलता है एसिडिटी के लिए जूस एंड डायबिटीज के लिए जूस, तो यहाँ पे हम आ गए ये पीने के लिए। पर ग्लास है 15 रुपीज़, और ये हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा है। और मुझे बहुत हाइजीनिक लगा, क्योंकि इन्होंने ग्लोव्स और मास्क लगाया हुआ था। ହଁ ବେଲ ଦିଅ, ବେଲ ବେଲ ପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ଦିଅ। वॉक तो स्टार्ट हो गया था, डाइट भी मेंटेन करना था वेट रिडक्शन के लिए। तो ये है लोबिया, और इसको मैं आज बनाऊंगी रात में, और इसका रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ पे ये बना है उस दिन का लंच, अगेन पकड़ो बातों। और ये गोभी आलू बीन फ्राई, करेला फ्राई, और मैं यहाँ पे ये बॉयल कर रही थी ये सब लोबिया एंड ब्लैक चना। जो फूल था मैं अंदर ले आई हूँ, यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि इतना धूप है इसका कलर भी चला जाएगा और हवा से उड़ भी सकता है, तो यहाँ पे मैंने उसको सजा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लोबिया, जो मैंने बॉईल करके रखा था। मैंने तेल में हींग, जीरा और एक तेज पत्ता दिया है। उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये प्याज, फिर अदरक और ये ग्रीन चिली एक मैं दे रही हूँ। फिर इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। काट के रखा है, फिर इसको हम डालेंगे उसमें। मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है सब, टमाटर पूरा मैश हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे रखी थी ये लोबिया, जो इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन, तो वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें खाली सलाद बना के भी इसके ऊपर खा सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, ये सब कुछ, और डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के भी इसको बना, पानी भी थोड़ा डाल सकते हैं अगर पानी वाला ग्रेवी चाहिए तो। तो ये हो गया हमारा लोबिया रेसिपी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको बाहर लेके ये पानी दे रही हूँ।
का वीडियो है, मतलब आज है थर्सडे और ये कल का वीडियो है जहाँ पे हम ये बना रहे हैं साग में सारा सब्जी डाल के ये एक, और फिर ये जो पम्पकिन फ्लावर है उसको जो राइस पाउडर मिक्स बटर में डुबो के फ्राई बना रही हूँ। ये बड़ी मिर्ची में ये अचार बना है। साग डालने के बाद मैं ये मस्टर्ड पेस्ट दे रही हूँ और बाकी तड़का तो नॉर्मल चीज़ है जो मैंने पहले दिया है, और हल्दी नमक। फिर एक पार्सल आया जो मम्मी ने भेजा है मेरे हस्बैंड के लिए, उनका बर्थडे है 19th को, मतलब परसों, और ये कुर्ता है कॉटन मिंत्रा से, अच्छा लगा, समर में बहुत ही कंफर्टेबल है ये ऐसे कुर्ता कॉटन में। थैंक यू मैम। यहाँ पे भुवनेश्वर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब हॉट चैम्बर में जैसे हम रह रहे हैं ऐसा लग रहा है, और खाना बनाना तो एक बहुत बड़ा टास्क है। नहाने के बाद भी मैं नहा के आई फिर भी पसीना हो गया, और एक प्रॉब्लम भी हो गया, हमारा एसी जो अभी रिपेयर हुआ था चल नहीं रहा था, अभी फिर से वो बंद है। जैसे ही मैं किचन का काम ख़त्म करके आई थोड़ा सा एसी ऑन करने की कोशिश किया, बंद फिर से, तो फिर से मैंने अर्बन क्लब से वही इलेक्ट्रिशियन को बुक किया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेट्स सी क्या होता है फिर। एक्चुअली एसी बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स हो गया है, तो शायद और सर्विसिंग भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, लेट्स सी। तो हमारा जो सोफ़ा सेट था वो हमने बेडरूम में डाल लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ड्राइंग रूम में दो सोफ़ा सेट है, और ये देखिए इसको मैं यहाँ पर रखी हूँ इसके साथ। फिर हमारा एसी का मदरबोर्ड रिपेयर करके हमारे आगे इलेक्ट्रिशियन वो लगा देंगे अभी, और फिर अल्टीमेटली आफ्टर 17 डेज ऑफ वेटिंग हमारा होंडा सिटी कार जो बाय रोड आ रहा था वो पहुंच गया, और उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब था, फिर हमने उसको सर्विसिंग के लिए अभी दिया है। फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को पूरा धोया। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये ब्लॉग में यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।